नमस्कार, YouTube के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। किसी ने पूछा, क्या चीज बिना सोचे करते हो? हमने कहा, अपनों पर विश्वास। किसी ने पूछा, इत्र और मित्र में क्या फर्क है? मैंने कहा, माहौल महका दे वह इत्र और जीवन महका दे वह मित्र। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर समय जुबां पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का ही होता है जब इंसान इंसान के काम आए। अजीब रिश्ता है मेरा ऊपर वाले के साथ, जब भी मुसीबत आती है न जाने किस रूप में आता है, हाथ पकड़कर पार लगा देता है। मैं उसके सामने सर झुकाता हूं, वो सबके सामने मेरा सर उठाता है। जो मित्र आगे बढ़कर होटल के बिल का पेमेंट करते हैं, वो इसलिए नहीं कि उनके पास खूब पैसा है, बल्कि इसलिए कि उन्हें पैसों से अधिक अपने मित्र प्रिय हैं। जो लोग हर काम में आगे रहते हैं, वो इसलिए नहीं कि वे मूर्ख होते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। जो लोग लड़ाई हो चुकने के बाद भी क्षमा मांग लेते हैं, वो इसलिए नहीं कि वो गलत थे, बल्कि इसलिए कि वो रिश्तों की परवाह करते हैं। जो लोग आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं, वो इसलिए नहीं कि आपका उन पर कोई कर्ज बाकी है, बल्कि इसलिए कि वे आपको अपना मानते हैं। जो लोग आपको रोज सुप्रभात या शुभ रात्रि का मैसेज भेजते हैं, वो इसलिए नहीं कि वे फुर्सतिया होते हैं, बल्कि इसलिए कि उनमें सतत आपके संपर्क में बने रहने की भावना होती है। दिया माटी का हो या फिर सोने का, यह महत्व की बात नहीं है, परंतु अंधेरे में प्रकाश कितना देता है, यह महत्वपूर्ण बात है। उसी तरह कौन गरीब है या अमीर, यह महत्व की बात नहीं। वक्त पे कौन मददगार होता है, यह महत्वपूर्ण बात है। रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आंख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं, और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें छलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। ऐ परिंदे, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, लेकिन मंजिल उसी की होती है जो नजरों से तूफान देखता है। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। ये संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब तक होगी जब तक आपकी जरूरत है। तालाब एक ही है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। सोच सोच का फर्क होता है, आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हो तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी।
मेरे गुरु कहते हैं मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। वक्त के भी अजीब किस्से हैं, किसी का कटता नहीं और किसी के पास होता नहीं। वक्त दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है पर अपना कौन है ये वक्त दिखाता है। मुझसे दोस्त नहीं बदले जाते चाहे लाख दूरी होने पर, लोगों के भगवान बदल जाते हैं एक मुराद न पूरी होने पर। मैंने कहा खुदा से क्या खूबसूरत दोस्त मिले हैं, क्या खूबसूरत मैंने किस्मत पाई है। खुदा ने कहा हंसकर संभाल कर रखना पगले, ये मेरी पसंद है जो तेरे हिस्से में आई है। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है। इसे खोइए मत, इंसान तो हर घर में पैदा होती है, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। कौवा किसी का धन नहीं चुराता फिर भी लोगों को वह प्रिय नहीं है। कोयल किसी को धन नहीं देती फिर भी लोगों को वह प्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी बोली का है जिससे सब अपने बन जाते हैं। एक व्यक्ति ने एक फकीर से पूछा, उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है। फकीर ने प्यार से कहा, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति, मौत का तो कोई वक्त नहीं। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो और जीने का आनंद लो। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देती है। अपनी सहनशीलता को बढ़ाइए, छोटी मोटी घटना से हताश मत होइए। जो चंदन घिस जाता है वह भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह तो सिर्फ जलाने के काम आता है। अगर आपको यह चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें ताकि मैं आपके लिए नए नए ज्ञानवर्धक वीडियोस हमेशा लाता रहूं। आप अपने सुझाव नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।